like health is the most important thing for us. Okay? तो उसके लिए बहुत effort भी करना होता है, like most important and most effortful thing to maintain. And maybe we take it for granted क्योंकि इसके जो side effects हैं for a less healthy lifestyle उसके बहुत सालों के बाद आते हैं, although irreversible होते हैं. जैसे कि आज मीठा खाया तो कल diabetes नहीं होगा, वो काफी देर बाद होगा. So what I did was during lockdown I decided to eat mindfully for 3 months, believing that the moment I'll enter the fourth month I'll be on an autopilot mode, performing that mindful eating habit effortlessly, autopilot. See, so my question now starts. It's like you also आपने एक दो सेशंस में बताया कि आपने 32 टाइम च्यू करने वाली हैबिट इंस्टिल की थी खुद में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में इट डिडंट वर्क दैट वे, लेकिन देन आपका ये यू वर सक्सेसफुल इन दैट. सो माय बेसिक क्वेश्चन इज सर, ओल्ड हैबिट को न्यू हैबिट के साथ रिप्लेस करने में आपको कितना टाइम लगा और क्या था जो चैलेंजिंग था? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है हमको कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई ओल्ड हैबिट है वो 2-3 महीना हमने कोई नई हैबिट के लिए हमने एफर्ट किया, उसके बाद में पुरानी हैबिट पूरी तरह से ख़त्म हो गई और नई हैबिट बन गई. ऐसा थियोरेटिकली तो लगता है कि हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पुरानी हैबिट थी उसको बनने में कई साल लगे, मे बी पूरी की पूरी लाइफ लगी. तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 2-3 महीने में वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी. दैट इज़ ऑलवेज देयर इन द सबकॉन्शियस. अभी आप कॉन्शियसली 3 महीने तक कोशिश कर रहे हैं अपनी एक नई हैबिट बनाने की, लेकिन जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ से हटेगी, मान लो आपकी कॉन्शियसनेस में कुछ और आ जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में उस तरफ ध्यान चला जाएगा, या फिर मे बी प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कुछ भी कोई ऐसा थॉट आ जाएगा जहाँ से कि आपका ध्यान वहाँ से हटेगा, तो आप वापस से अपने वही पुराने पैटर्न पर चले जाओगे. दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ क्रिएटिंग अ न्यू हैबिट. तो इसमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो इस फंडे को क्लियर करना है कि ऐसा नहीं है कि एक बार हमने एक काम किया फिर वो बन गया और हम उसमें सक्सेसफुल हो गए. लाइफ इज़ नॉट अबाउट सक्सेस और फेलियर. यू हैव टू कीप ट्राइंग नो मैटर वॉट टू डू द राइट थिंग. आप ये मत समझो कि मैंने एक नई हैबिट बनाई, दैट इज़ टू च्यू 32 टाइम्स, और वो फिर हैबिट मैंने प्रैक्टिस करी मे बी कुछ महीनों तक, अब वो बन गई. उसके बाद में फिर बीच में ऐसा हुआ कि मैं वही अपनी पुरानी हैबिट में चला गया, फिर मैं कॉन्शियस हुआ, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैं तो वापस से उसी पैटर्न पे जा रहा हूँ. फिर वापस से जैसे ही मैं कॉन्शियस हुआ फिर मैंने एफर्ट किया, फिर दोबारा किया, और वो एफर्ट आज भी चल रहा है. ऐसा नहीं है कि वो एफर्ट कभी भी ख़त्म होने वाला है, बिकॉज लाइफ इज़ एन ऑन गोइंग स्ट्रगल टू फाइट विद द ओल्ड एंड टू बिल्ड समथिंग न्यू. दिस स्ट्रगल विल ऑलवेज बी देयर. तो जैसे ही हमको ये क्लियर हो जाता है तो अब हमारे अंदर रिग्रेट नहीं होगा. नहीं तो क्या होगा कि जैसे ही आप अपने पुराने पैटर्न पे वापस जाओगे आपको लगेगा कि मैं फेल हो गई. इट्स नॉट अबाउट फेलियर और सक्सेस, इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू कीप ट्राइंग टू डू द राइट थिंग फॉर योर एंटायर लाइफ. आप बार बार उसमें फेल होगे, 1000 बार फेल होगे, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है. बिकॉज यू आर अ डॉक्टर तो आप बड़े आराम से इस बात को समझ पाओगे कि बेसिकली हमारी जो बायोलॉजी है, ये जो ब्रेन है, ये एफर्ट के लिए बनी ही नहीं है. ये बनी है, या जो हमारी जो बायोलॉजी है या जो फिजियोलॉजी है, दैट इज मेंट फॉर गिविंग अस एज मच ऑफ कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन एज पॉसिबल. अगर आपकी ब्रेन को चॉइस मिले कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करो, आराम से बैठे बैठे पूरा दिन टीवी देखते रहो या मोबाइल पे टाइम पास करते रहो या फिर बस सोते रहो, पड़े रहो, आलसी हो जाओ, तो ब्रेन वो ही चूज करेगी. सर, ब्रेन लाइक इतनी पावरफुल मशीन है, सबसे ज़्यादा पावरफुल मशीन है, तो आई एम रियली समटाइम्स सरप्राइज्ड कि इसको पता नहीं चलता कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग. और इतनी पावरफुल मशीन है तो इसको अगले दिन से ही, आई मीन इट शुड इम्प्लीमेंट दैट इन ह्यूमन लाइफ के ओके दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड. आई एम रियली समटाइम्स सरप्राइज्ड. देखिए, ब्रेन के लिए कुछ भी सही और गलत नहीं है. ये जो सही और गलत है ना, ये आपके इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमारे माइंड में पड़े हुए हैं, ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं. ब्रेन के लिए कुछ भी सही और गलत नहीं है. हाँ, ब्रेन की अपनी या बॉडी की अपनी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, और आप वो कह सकते हो कि उसके लिए हमको नेचर के पास होना पड़ेगा. बट रियलिटी क्या है कि हम लोग नेचर से इतना दूर हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है. मतलब कि जानवर जो है बेसिकली
अगर आपने बात करी अपने डॉग की, तो आपका जो डॉग है वो नेचर के पास है, तो जैसे उसका पेट भर जाएगा वो रुक जाएगा, वो छोड़ देगा, या फिर कुछ आप उसको ऐसा खाने के लिए दोगे जो कि जिसमें कुछ मिला हुआ है, तो या तो वो वॉमिट कर देगा या वो सूंघेगा और फिर वो खाएगा ही नहीं, वो उसको छोड़ देगा। तो इसका मतलब वो नेचर की इंटेलिजेंस के पास है। बट द क्वेश्चन इज कि अब हमको दूर कौन करता है? एक बच्चा तो पास है, जो बच्चा अभी न्यू बॉर्न बेबी है उसको पता है कितना खाना है कितना पीना है और फिर रुक जाना है। ये जो थॉट हमारा ऑपरेट करता रहता है जिसको हम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सक्सेस, एम्बिशन, डिज़ायर्स, फ्यूचर, पास्ट, ये वो, ये उसमें इंटरफेयर करता है ये जो थॉट है। इसकी वजह से वी आर नॉट एट ईज। व्हाट इज डिजीज? अगर मेडिकल टर्म्स में बोला जाए, डिस ईज, व्हेन योर बॉडी और योर माइंड इज नॉट एट ईज, दैट इज अ डिजीज। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम सब बीमार हैं। क्यों? बिकॉज आर माइंड इज नॉट एट ईज। माइंड में क्या गड़बड़ करता है? वेदर देर इज अ क्रेविंग फॉर प्लेजर और एन एवर्जन फॉर पेन, दोनों ही माइंड की जो ईज वाली जो स्टेट होती है उसको खराब कर देती है। बट हम इन दो के अलावा और जीते ही कहां हैं? माइंड के अंदर से अगर आप ये दोनों निकाल दो, दैट इज क्रेविंग फॉर प्लेजर और एवर्जन फॉर पेन, तो माइंड ऑपरेट करना बंद कर देगा। पर 24 घंटे हमारा माइंड ऑपरेट करता रहता है, जिसकी वजह से जो नेचुरल हमारी जो बॉडी की इंटेलिजेंस है वो ऑपरेट नहीं कर पाती है, वो उसको ओवर रूल कर चुकी है। अब बॉडी की और ब्रेन की एक नई डिफॉल्ट सेटिंग है, तो उस डिफॉल्ट सेटिंग के लिए ब्रेन क्रेव करता है, और वो डिफॉल्ट सेटिंग कैसी भी हो सकती है। ब्रेन को उससे मतलब नहीं है कि वो आपके लिए अच्छी है या बुरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, वो बॉडी को खराब कर रही है अंदर से, लेकिन क्योंकि बॉडी को आदत पड़ गई है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ ऐसा खाना हो जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आदत पड़ गई है, तो बॉडी को और कुछ समझ नहीं आएगा, बॉडी के लिए वही फ्यूल है, बॉडी विल स्टार्ट क्रेविंग फॉर इट। तो दैट इज द प्रॉब्लम, वी आर फार अवे फ्रॉम नेचर। इस वजह से अभी जो प्रैक्टिस है आपको ये करते ही रहना पड़ेगा पूरी लाइफ के लिए, यानी ये कोशिश ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये मत समझो कि 3 महीने में या 4 महीने में, 1 साल में नई हैबिट बन जाएगी। फिर आप कहीं जाओगे, मान लो इंडिया जाओगे कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए, वहां पे वो आपको खिलाएंगे पिलाएंगे ये करेंगे, वापस से बैक टू नॉर्मल, वो जो भी आपने 1 साल में किया वो सब खत्म 1 हफ्ते के अंदर अंदर। Got that answer. Thank you. Yeah. I have another question. Please. Sir, मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है कि हमारे अराउंड मोस्ट ऑफ द पीपल नाउडेज, उनमें कुछ करेक्टर्स कॉमन होते हैं, ट्रेट्स जो है, जो मतलब मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं कि क्यों है जबकि वो अच्छे नहीं है। I mean, I am not affected by those, but I have to tell my son and I have to justify why they are not good. So, like the first one is to belittle others. When even they are living on credit, on debt, even their mobile is on credit, they are paying EMI for those. Unke paas mobile data ko pay karne ke liye paise nahi hai, but they will buy every new model of a new mobile at an EMI, right? So, they show their materialistic possessions to belittle others. और सर इस तरह के बिहेवियर का जो एंड रिजल्ट है वो क्या है? मतलब I know they are empty from inside, but still they show how they manage those things. So that is my question. And how, where will they end? ऐसे जो लोग होते हैं जो अंदर से खाली हैं और बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि पता नहीं हमारी लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है, या फिर हम कितने एफ्लुएंट हैं, या फिर हमारे पास में देखो क्या क्या है, और ये वो बोस्ट कर रहे हैं, तो आप ये मत समझो कि वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि वो अंदर से क्या है। वो अंदर से इतने छोटे हैं कि उनको थोड़ा सा भी बड़ा फील होने के लिए, क्योंकि अंदर से इतने शैलो हैं, तो थोड़ा सा बड़ा फील होने के लिए दे नीड सम गैजेट्स, दे नीड समथिंग इन ऑर्डर टू जस्टिफाई, क्योंकि अंदर से उनको पता है कि उनका सच क्या है, कि अंदर से वो खोखले हैं, तो बाहर से उनको कुछ ना कुछ चाहिए ये दिखाने के लिए औरों को कि देखो मैं भी कुछ हूं। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि आपके आगे अगर वो शो ऑफ कर रहे हैं, वो ऐसा भी हो सकता है किसी के आगे ना करें शो ऑफ, आपके आगे अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको आपको देख करके ये एहसास होता है कि हम कितने अंदर से खाली हैं, और वो देखो क्या क्या कर रही है। लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर हम सामने वाले को ये दिखाएंगे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, तो सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करेगा। इन ऑर्डर टू गेट सम रिस्पेक्ट फ्रॉम यू, तभी तो वो बोस्ट कर रहे हैं। और इसकी जो जड़ है वो क्या है? क्योंकि वो खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं डीप डाउन, क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक्चुअल में कुछ ढंग का नहीं कर रहे हैं।
जो अंदर से एक्चुअल में स्ट्रांग होता है या एक्चुअल में लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर रहा होता है या कुछ ढंग का कर रहा होता है, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा। जो एक्चुअल में वाइज होगा या फिर नॉलेजेबल होगा वो कभी भी अपनी नॉलेज को शो ऑफ नहीं करेगा, लेकिन जो अंदर से खाली होगा वो कहीं पर भी गूगल पे थोड़ा बहुत कुछ पढ़ेगा और जैसे उसको मौका मिलेगा जा करके ऐसे दिखाएगा कि देखो मुझे तो सब पता है। जो भी इस तरीके से दिखा रहा है, चाहे वो नॉलेज को दिखा रहा है, चाहे वो पैसे को दिखा रहा है, चाहे वो चीजों को दिखा रहा है, आप समझ जाओ वो अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है। जो अंदर से लेके जाएगी, मतलब where will they end up? They will end up in debt. और कहीं उनका कोई एंड नहीं है, क्योंकि अगर उनको अपनी जो सेटिस्फैक्शन है या ये कह लो उनको जो लाइफ का मीनिंग है वो मिलता है गैजेट्स में, तो अब मार्केटिंग की पूरी दुनिया है, वो उनको कुछ ना कुछ नया बेचती ही रहेगी। अब ये मोबाइल का नया मॉडल आ गया, अब ये गाड़ी का नया मॉडल आ गया, अब ये हो गया, वो हो गया, और उनको कॉन्स्टेंटली अपनी ईगो को फीड करने के लिए बार 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 या तो वही जो आप ईएमआई वर्ड यूज़ कर रहे हो, या तो ईएमआई पे कुछ लेना पड़ेगा या फिर लोन लेना पड़ेगा, या फिर कॉन्स्टेंटली उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने पुराना अपने हाथ में रखा हुआ है और उनको आदत हो गई है इस तरीके से शो ऑफ करने की, तो अब उनको नया चाहिए ही चाहिए, वेदर दे कैन अफोर्ड इट और नॉट दैट इज सेकेंडरी। बट इन बेवकूफ लोगों को देख करके हमको उनके जैसा नहीं बनना है, हमको उनकी बेवकूफी से सीख लेना है कि वो बेवकूफ है, दे आर फूल्स। क्योंकि एक दिन मैं बताता हूं उनका एंड क्या होगा, या तो वो एक दिन आपके पास आएंगे आपसे पैसा मांगने के लिए, दैट इज वन, कि भाई अब मेरी बहुत बुरी हालत है थोड़ा सा मुझे आप हेल्प कर दो, नंबर वन। नंबर टू, वो डेट में इतने बुरे तरीके से जा करके फंसेंगे, फंसना ही है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में एंड तक रहेगी रहेगी और वो कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो बाहर से वो बड़े ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ही सॉर्टेड है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से एंशियस होंगे लाइफ को लेकर के, क्योंकि जिस भी बंदे के ऊपर कर्जा है किसी भी तरीके का वो चैन से सो नहीं सकता है। बाहर से दिखा सकता है कि मैं बड़ा नॉर्मल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके माइंड में टेंशन रहेगी कि कहीं मेरी ये गाड़ी कोई उठा करके ना ले जाए। सोचो जिस बंदे के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है कि मेरे पास में इस गाड़ी का लेटेस्ट वो है या नहीं है, उसको लेकर के वो इतना इनसिक्योर हो रहा है, तो अगर उसकी गाड़ी को कोई एक्चुअल में उठा करके ले गया तो वो कितना इनसिक्योर हो जाएगा। तो उनके अंदर इनसिक्योरिटीज भरी पड़ी है, तो ऐसे लोगों से वैसे अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो लोग होते हैं सुपरफिशियली जीते हैं, मतलब एक्चुअल में उनको जब मतलब होगा तो आपके पास भागे भागे आएंगे, फिर चाहे वो मतलब पैसे का है, चाहे अपनी कोई जरूरत का है, चाहे कुछ भी है, जैसे ही आपको उनकी जरूरत होगी तो वो पीछे हट जाएंगे। Yes. क्योंकि वो अंदर से खाली है ना, दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लव, दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गिविंग। गिविंग का तो सवाल ही नहीं उठता उनकी लाइफ में, वो किसी को कुछ दे तो सकते ही नहीं है, ले सकते हैं लेकिन वो किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो ऐसे दोस्त बनाने का भी कोई लॉजिक नहीं है। समझ जाओ कि सामने वाला बंदा ऐसा है और उससे एक डिस्टेंस मेंटेन, मान लो एक टाइम पे वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड था, मान लो एक टाइम पे आपका और उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, बट अब वक्त बदल चुका है, अब उनसे हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, वी कैन गेट क्लोज टू सच पीपल जो एक्चुअल में लाइफ में अंदर से ग्रो कर रहे हो। सर, व्हेन दे आर क्लोज रिलेशनशिप्स, डू वी एक्सपेक्ट दैट दे विल इंप्रूव, बिकॉज़ इट हर्ट्स। जब तक उनकी खुद के अंदर से रियलाइजेशन नहीं आएगा तब तक वो चेंज नहीं होंगे। हर एक का अपना एक बेसिक नेचर होता है, अगर आप अपने ऊपर भी रख करके देखेंगे तो आपके अंदर भी बहुत सारी ऐसी कमियां होंगी जो शायद कोई एक्सपेक्ट करता होगा कि आप इम्प्रूव हो जाओ, लेकिन औरों को छोड़ो आप खुद भी अपने लिए एक्सपेक्ट करते होगे कि जो अभी आपने पहला क्वेश्चन पूछा था लाइफस्टाइल, कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, वो क्वेश्चन कहाँ से आया, इसका मतलब लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम है जिसको आपने ठीक करने की कोशिश करी 3 महीने तक, लेकिन उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, तो दैट मींस कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ही पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेंगे। तो तभी भी कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, ये हमें किसी और के ऊपर नहीं थोपना चाहिए, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें किन लोगों के पास जाना है और किन से दूर होना है। तो वो लोग जो अंदर से शैलो हैं या अंदर से खोखले हैं उनसे आप दूर रहो, नहीं तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाओगे, बट ये ध्यान रखना होता है। नहीं तो ना चाहते हुए भी उनके कुछ, जैसे बोलते हैं ना कि भाई खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो ना चाहते हुए भी उनका रंग आपके ऊपर चढ़ने लग जाएगा। कोशिश करो ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में रहो जो अंदर से फंडामेंटली स्ट्रांग हो। फंडामेंटली स्ट्रांग होने का मतलब आज के टाइम में क्या है, जिनके खर्चे कम हो कमाई ज्यादा हो, सिंपल। यू गॉट ऑल द आंसर्स? यस, एंड आई मीन आई वाज सो डिस्टर्ब्ड विद दीस क्वेश्चंस, and you gave me so simple solutions to that. Thank you. Yeah. Thanks a lot.
मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच।